ये कहानी है गरीब रानी और उसकी दादी लीलावती की। रानी 10 साल की थी और अपनी दादी के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। उसके माता पिता का कुछ साल पहले देहांत हो गया था, तब से रानी का ख्याल उसकी दादी ही रखती आई थी। हालांकि लीलावती के लिए खुद का और रानी का पेट पालना बहुत मुश्किल था। बढ़ती उम्र की वजह से वो कुछ काम नहीं कर पाती थी, लेकिन उससे जो बन पड़ता था वो करती थी। वो पापड़ बनाकर उन्हें बेचती थी। रानी को ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ऐसे ही एक दिन रानी अपनी दादी से बोलती है, अरे दादी क्या कर रही हो आप? लाओ मैं करती हूँ, आपको तो बुखार था ना? अरे बिटिया तो क्या हुआ, काम तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ दादी मैं हूँ ना, मैं बना लूंगी सारे पापड़ और उन्हें बाहर जाकर बेचूंगी भी। अब से आप कोई काम नहीं करोगी? हाँ, कर लेना सारा काम, पहले थोड़ी बड़ी तो हो जा। हो तो गई हूँ मैं बड़ी, अब आप देखना मैं कितने अच्छे पापड़ बनाकर दिखाती हूँ, मैंने सब सीख लिया है। रानी लीलावती की जगह खुद पापड़ बनाने लगती है और बाद में उन्हें बाजारों में बेचने भी जाती है। बड़ी मुश्किल से उन दोनों के खाने पीने का जुगाड़ हो पाता था। गर्मियां तो जैसे तैसे कट जाती थी, लेकिन सर्दी की दस्तक के साथ ही उन दोनों की मुश्किल बढ़ जाती थी। सर्दी से बचने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। उनकी टूटी फूटी झोपड़ी में हर तरफ से ठंडी हवा आती थी और उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े भी खरीद सके। रात के समय ओढ़ने के लिए एक कंबल था, वो भी पुराना होने की वजह से काफी नहीं था। लीलावती की तबीयत पहले से ही खराब थी और ऊपर से सर्दी का मौसम भी आ चुका था। ऐसे में रानी को अपनी दादी की फिक्र होने लगी और वो पूरा दिन मेहनत से पापड़ बनाती है और बाजार जाकर बेचती, लेकिन उसके पापड़ की बिक्री उतनी नहीं हो पाती थी जिससे वो ठंड से बचने के लिए कुछ इंतजाम कर सके। फिर एक दिन, बापूजी पापड़ ले लो, देखो कितने करारे हैं, बड़ी मेहनत से बनाई है मैंने, खरीद लो ना, खरीद लो, कम से कम एक पैकेट तो खरीद लो। मुझे पापड़ नहीं चाहिए, चलो यहाँ से। रानी उस दिन हर किसी से पापड़ खरीदने के लिए कहती रही, लेकिन उस दिन किसी ने उसका एक पापड़ भी नहीं खरीदा। उस दिन ठंड से उसका बुरा हाल था, ऊपर से पापड़ नहीं बिकने से वो बहुत उदास थी। तभी एक औरत उसके पास आई और बोली, अरे बेटा कैसे दिए पापड़? जी 10 का पैकेट है। अच्छा ऐसा करो 2 पैकेट दे दो। उस महिला का नाम सरोज था। बहुत देर से वो रानी को देख रही थी, उसे रानी पर तरस आ रहा था। उसने रानी से पापड़ के पैकेट खरीदे और फिर उससे बोली, बेटा तुम्हारा नाम क्या है और ये बताओ बेटा तुम्हें ठंड नहीं लग रही क्या? तुमने कितने पतले कपड़े पहन रखे हैं? जी आंटी मेरा नाम रानी है और मेरे पास मोटे कपड़े नहीं है पहनने के लिए। अच्छा बेटा तुम ऐसा करो मेरे साथ चलो, मेरा घर यहीं पास में है, मेरे पास एक पुरानी शॉल है वो मैं तुम्हें दे देती हूँ। ये सुनकर रानी खुश हो जाती है और उसके साथ उसके घर चल देती है। सरोज का आलिशान घर देखकर रानी को बहुत अच्छा लगता है। वो सरोज से कहती है, मैडम जी आपका घर तो कितना अच्छा है, यहाँ तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। हाँ बेटा यहाँ ठंड नहीं है, दरअसल यहाँ रूम हीटर लगा हुआ है जिससे कमरा गर्म रहता है। ये लो ये है गर्म शॉल, ये रख लो। वैसे मेरे पास और भी गर्म कपड़े हैं, वो अंदर दबे हुए हैं, फिलहाल तुम ये शॉल रख लो। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी। अच्छा तो मैं चलती हूँ। रानी अपने घर की तरफ चल देती है। घर पहुंचकर वो शॉल अपनी दादी को देती है और कहती है, दादी आप ये शॉल ओढ़ लो, ये पहनकर दादी आपको ठंड नहीं लगेगी। अरे लेकिन बिटिया ये तुझको कहाँ से मिली? दादी आज जब मैं बाजार में पापड़ बेच रही थी तब मुझे एक बहुत अच्छी मैडम जी मिली, उनका घर बाजार के पास ही था, उन्होंने ही मुझे ये शॉल दिया। आपको पता है उनका घर बहुत ही अच्छा है, वहाँ तो बिल्कुल भी ठंड नहीं थी, क्या कहते हैं उसे, हाँ हीटर लगा हुआ था वहाँ। दादी कितना अच्छा होता अगर हम भी ऐसे ही घर में रह सकते। अरे बिटिया हम गरीबों के नसीब में ये सारे सुख कहाँ, तू तो जानती ही है अपना हाल। अच्छा ये बता आज कितने पापड़ बिके? दादी बस 2 पैकेट जो मैडम जी ने मुझसे खरीदे, दादी अब अपना पापड़ कोई नहीं खरीदता। तू चिंता मत कर बिटिया, कल मैं जाऊंगी बाजार और तू देखना सारे पापड़ बेचकर ही वापस आऊंगी। नहीं दादी आप कहीं नहीं जाओगे,
बाहर बहुत ठंड है, आपकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है। लेकिन बिटिया मैं कब तक ऐसे पड़ी रहूंगी? खाने को कुछ नहीं है बिटिया, मान जा मेरी बात, मुझे जाने दे। रानी दादी की एक नहीं सुनती, दूसरे दिन भी खुद ही पापड़ बेचने चली जाती है। सरोज का दिया शॉल भी दादी के पास छोड़कर जाती है और ठंड से कांपती हुई पापड़ बेचने की कोशिश करती रही, लेकिन अब भी कोई उससे पापड़ नहीं खरीद रहा था। इत्तेफाक से सरोज उस दिन भी बाजार से गुजरी। उसने जैसे ही रानी को फिर उन्हीं पतले और फटे पुराने कपड़ों में देखा तो उसके पास जाकर गुस्से से बोली, रानी ये क्या, मैंने तुम्हें जो कल शॉल दी थी वो कहाँ है? तुमने कहा था मेरे पास मोटे कपड़े नहीं है, और मैंने जो तुम्हें शॉल दी वो तुमने पहना क्यों नहीं? मैडम जी माफ करिए, लेकिन उस शॉल की मुझसे ज्यादा दादी को जरूरत थी, ठंड से उनका बुरा हाल है, कल तो उन्हें तेज बुखार भी था, इसीलिए वो शॉल मैंने उन्हें दे दिया। अरे तो ये बात तुमने मुझे कल क्यों नहीं बताई? चलो ऐसा करते हैं, आज मैं तुम्हारे घर चलती हूँ, मेरे पास ये कुछ गर्म कपड़े हैं जो मैं वृद्धाश्रम देने जा रही थी, तुम्हारी दादी को अगर इनकी जरूरत है तो उन्हें दे देते हैं, लेकिन सबसे पहले ऐसा करो तुम इसमें से कुछ पहन लो। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रानी सरोज के दिए हुए कपड़ों में से एक मोटा स्वेटर पहन लेती है और फिर उसे अपने साथ अपने घर लेकर जाती है। रानी के घर का हाल देखकर सरोज को बहुत बुरा लगता है। वो एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसमें कई जगह से ठंडी हवा जा रही थी। दोनों अंदर जाते हैं। लीलावती शॉल ओढ़कर बिस्तर पर लेटी हुई थी। रानी उसके पास जाकर उससे कहती है, दादी देखो मेरे साथ कौन आया है, यही वो मैडम जी हैं जिन्होंने कल मुझसे पापड़ खरीदे थे और मुझे शॉल दी थी, और देखो इनके पास हमारे लिए और भी गर्म कपड़े हैं। रानी की बात का लीलावती कुछ जवाब नहीं देती। लीलावती बेसुध पड़ी थी। रानी ये देखकर घबरा जाती है। फिर सरोज लीलावती को छूकर देखती है। सरोज समझ जाती है लीलावती इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी, उसका बूढ़ा शरीर ठंड की मार नहीं सह पाया। वो रानी को इस बारे में बताती है तो रानी फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए कहती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, दादी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, माँ बाबा पहले ही मुझे छोड़कर जा चुके हैं, और अब दादी, दादी उठो ना, तुमने कहा था पापड़ बेचने जाओगी, मैं आपको नहीं रोकूंगी, बस बस एक बार तो उठ जाओ दादी। रानी की कोशिशें बेकार थी, लीलावती जा चुकी थी। रानी का रो रो कर बुरा हाल था, वो बिल्कुल अकेली रह गई थी। सरोज को उस पर बहुत दया आई। सरोज ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, रानी ऐसे रोते नहीं है बेटा, तुम्हारी दादी तुमसे बहुत प्यार करती थी ना, तो तुम्हें ऐसा रोता देख उन्हें कैसा लगेगा, और तुम ये बिल्कुल मत सोचो कि तुम अकेली हो गई हो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और फिर मैं भी तो हूँ तुम्हारे साथ। सरोज खुद एक विधवा थी और उसकी कोई संतान भी नहीं थी। वो एक सरकारी टीचर थी, साथ ही एक समाज सेवी संस्था से भी जुड़ी थी। रानी की मेहनत और लगन से वो पहले ही प्रभावित थी, और लीलावती के चले जाने से रानी जब बिल्कुल अकेली पड़ गई तो सरोज ने उसका सहारा बनने का फैसला किया। वो रानी को अपने साथ अपने घर ले आई और बोली, रानी आज से तुम यहीं रहोगी, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। सरोज की बात सुनकर रानी चौंक जाती है। वो एक टक सरोज को देखती रहती है और कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसू बहुत कुछ कह रहे थे। एक तरफ दादी के जाने का गम था, दूसरी तरफ माँ समान सरोज का साथ भी उसे मिल गया था। सरोज ने रानी को गले से लगाया और यहाँ से सब कुछ बदल गया। रानी को किसी बात की कमी नहीं थी, सरोज ने रानी को पढ़ाया लिखाया और अपनी तरह काबिल बनाया। इस सब के बावजूद रानी उन रातों को कभी नहीं भुला पाई जो उसने अपनी दादी के साथ ठिठुरते हुए बिताई थी। वो भी सरोज के साथ उस समाज सेवी संस्था से जुड़ गई और हर उस कोशिश में जुट गई कि किसी लीलावती को ठंड के चलते जान न गंवानी पड़े। शंकर अपनी पत्नी सुनीता और दो बच्चों के साथ गांव में रहता था। शंकर मजदूरी का काम करता था पर उसकी आमदनी बहुत कम थी। सुनीता स्वेटर बुनने का काम करती थी और उस काम से वो थोड़े बहुत पैसे कमा लेती थी। तुम चिंता मत करो, ठंड शुरू होने वाली है, थोड़े बहुत स्वेटर बुनने का काम मुझे मिल ही जाएगा। ये है कि कम से कम घर खर्चे के पैसे तो मैं जोड़ ही लूंगी। तुम बाकी जमींदार साहब का कर्जा चुकाओ, वो पहले बहुत जरूरी है। हाँ उसी की तो चिंता है, ब्याज भी बढ़ता जा रहा है, पर जितना काम करता हूँ
सारा कर्जे में चला जाता है। शंकर जो भी कमाता था सारा कर्जा उतारने में चला जाता था, इसलिए सुनीता स्वेटर बुनने का काम कर लेती थी। सुनीता बहुत सुंदर स्वेटर बुनती थी, तरह तरह के डिजाइन वाले स्वेटर, टोपा, मोजे, कार्डिगन। सुनीता इन सब की अच्छे से बुनाई करना जानती थी, पर गांव में उसे इस काम के पैसे ज्यादा नहीं मिल पाते थे। गांव के लोग अपने हिसाब से ही सुनीता को स्वेटर बुनाई के पैसे देते थे। सुनीता 150 रुपए तो तू ज्यादा बोल रही है, छोटा सा ही तो स्वेटर बनवाना है, 50 रुपए रख ले, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकती। पर काकी ऊन बहुत महंगी हो गई है, आप तो ऊन के पैसे भी नहीं दे रही हो। ये ले 70 रुपए रख, इससे ज्यादा नहीं दूंगी, नहीं तो रहने दे, रख ले अपने पास वापस स्वेटर। सुनीता पैसे लेकर घर आ जाती है। शंकर परेशान था, वो सुनीता से बोला, अब सुनीता सामान बांध ले, मोहन का फोन आया है, उसने शहर में बात कर ली है, फैक्ट्री में 10,000 रुपए महीना मिल जाएगा, बाकी देख लेंगे, यहाँ तो कभी काम मिलता है कभी नहीं। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, पर मेरा कुछ स्वेटर बुनने का काम रह गया है, एडवांस रुपए लिए हुए थे। तो कोई नहीं, वहीं बुनकर पूरा कर लियो, कोई ना कोई गांव आता ही रहता है तो भिजवा देंगे। और फिर शंकर अपने परिवार को लेकर शहर आ जाता है। शंकर 2,500 रुपए में इससे अच्छा कमरा नहीं मिलेगा, बाकी थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे सब आदत पड़ जाएगी। अब तू यहाँ साथ है तो मुझे क्या फिकर, बाकी सुनीता और बच्चे भी भाभी और बच्चों के साथ रहेंगे तो कोई चिंता की बात ही नहीं होगी। शंकर फैक्ट्री में काम पर लग जाता है, सुनीता भी स्वेटर के काम पर लग जाती है। एक दिन सुनीता अपने घर के बाहर बैठी स्वेटर बुन रही थी, तभी मोहन की पत्नी गायत्री आ जाती है। अरे सुनीता ये क्या, तू स्वेटर बुनती है? हाँ, गांव में रहती थी तो थोड़े बहुत बुनकर 4 पैसे आ जाते थे, ये स्वेटर बुनने रह गए थे, कोई आएगा जाएगा तो गांव भेज दूंगी, एडवांस के पैसे लिए हुए हैं। तभी एक औरत वहां आती है। आप में से सुनीता कौन है जो स्वेटर बुनने का काम करती है? जी मेरा नाम ही सुनीता है, मैं स्वेटर बुनने का काम करती हूँ। मेरी बहन रश्मि माधोपुर में रहती है, आप माधोपुर से आई हो ना? रश्मि मुझे बता रही थी कि आप शहर रहने आई हो और आप स्वेटर बनाती हो। मेरी ननद की बेटी हुई है तो मुझे उसके लिए स्वेटर बनवाने थे, छोटे बच्चों के लिए तो घर के बुने स्वेटर ही गर्म होते हैं, पर यहाँ शहर में कोई स्वेटर बुनने वाली मुझे दिखाई नहीं दी, फिर रश्मि ने मुझे आपके बारे में बताया। अच्छा, आप रश्मि दीदी की बहन हो? हाँ, वो मुझे बहुत अच्छे से जानती है, कई बार अपने बच्चों के लिए वो मेरे से गांव में स्वेटर बनवा लेती थी, एक स्वेटर उनका अभी भी बना रही हूँ, बस तैयार हो जाए तो उन्हें गांव भिजवा दूंगी। आपको किस तरह से बनवाने हैं मुझे बता दो, और बाकी ऊन आप देख लो, आप दोगे या मैं अपनी पसंद से ले लूं? ऊन वगैरह खरीदने का तो मुझे इतना पता नहीं है, अपने हिसाब से ही खरीद लेना, जो अच्छी कंपनी के मुलायम ऊन हो, क्योंकि छोटी बच्ची के बनाने हैं तो मुलायम ऊन के ही अच्छे रहेंगे, चुभने वाला ना हो। आप मेरे लिए 3 सेट बना दो, जो भी पैसे बनेंगे मैं दे दूंगी। वो औरत सुनीता को 3 स्वेटर बुनने का ऑर्डर देकर चली जाती है। तभी शंकर भी आ जाता है, उसके दोनों हाथों में सूजन थी और वो दर्द से कराह रहा था। अरे ये क्या, आपके हाथों में सूजन कैसे आ गई? भैया को तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, यहीं पास में ही डॉक्टर बैठते हैं, चल वहीं ले चलते हैं। गायत्री ठीक कह रही है, चलो भाभी, चल शंकर। शंकर को लेकर सुनीता मोहन और गायत्री के साथ डॉक्टर के पास जाती है। मशीन पर काम करने के कारण इनके हाथों में सूजन आ गई है, इससे पहले उन्होंने कभी मशीन पर काम किया है? नहीं डॉक्टर साहब, गांव में तो मजदूरी और खेतीबाड़ी का काम करता था, यहाँ पहली बार आया हूँ, अभी 1 महीना ही हुआ है काम करते हुए। बस यही वजह है, अभी कम से कम 2 महीने मशीन पर काम बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो ये सूजन बढ़ने से शरीर को नुकसान हो सकता है। पर डॉक्टर साहब, मैं काम नहीं करूँगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और अगर आराम नहीं किया तो शरीर भी तो खराब हो जाएगा, इसलिए कम से कम 2 महीने दवाई लो, उसके बाद मशीनों के काम की जगह कोई और काम ढूंढना। शंकर परिवार के साथ शहर आया था कि यहाँ कमाकर गांव में जमींदार का कर्जा चुका देगा, पर यहाँ आकर तो उसकी परेशानी बढ़ गई। कुछ दिन बाद सुनीता ने उस औरत के 3 सेट बुनकर दे दिए। ये स्वेटर तो आपने बहुत ही अच्छे बुनकर दिए, मेरी ननद को भी बहुत पसंद आए हैं, वो पूछ रही थी आप बड़े लोगों के भी स्वेटर बना सकते हो। जी मैं बना दूंगी, बाकी अगर कोई और भी पूछे तो आप बता देना, मेरी थोड़ी कमाई हो जाएगी। क्या हुआ, तुम थोड़ा परेशान दिखाई दे रही हो? गांव से शहर आए थे कि थोड़ा काम चल जाएगा, पर शहर आते ही पति की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने उन्हें 2 महीने आराम के लिए बोला है और उसके बाद भी मशीनों का काम मना किया है। वही सोच रही थी कि थोड़े बहुत स्वेटर बुनकर दे दूं तो खर्चा निकल आएगा,
आजकल सर्दियां भी शुरू होने वाली हैं, तो लोगों को बनवाने हो तो आप पता कर लेना। हाँ हाँ, मैं पड़ोस में भी कह दूंगी, तुम चिंता मत करो। औरत स्वेटर के पैसे देकर चली जाती है और अपने आस पड़ोस में सुनीता के बारे में बताती है। सुनीता को धीरे धीरे स्वेटर का काम मिलने लगता है। बहन जी, मैं ऊन की दुकान चलाता हूँ। मेरे पास शहर के बहुत से लोग ऊन खरीदने आते हैं। कई बार वो लोग मेरे से घर के बुने स्वेटर के बारे में पूछते हैं। अगर आप मेरे लिए स्वेटर बुन दिया करो तो मैं आपको अच्छी कीमत दे सकता हूँ। ठीक है भैया जी, आप मुझे बता दो कितने स्वेटर बुनने हैं। दो छोटे बच्चों के, लेडीज जेंट्स के डिजाइन वाले बनाने हैं। मैं आपको लिस्ट बना दूंगा, मैं लड़के के हाथ माल घर भिजवा दूंगा। सुनीता का स्वेटर बुनने का काम बढ़ जाता है, उसे अब अच्छे पैसे मिलने लगे थे। सुनीता, मैं सोच रहा था तुम गायत्री भाभी की भी मदद ले लिया करो, तो तुम्हें सहारा रहेगा। अकेले तुम थक जाती हो, बाकी माल पहुंचाने का काम मैं कर लूंगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मोहन भैया के भी तो घर खर्चे हैं, किराया, राशन, बाकी गायत्री भाभी जिस घर में काम करती थी वो घर भी छूट गया है। मैं आज ही उनसे बात करती हूँ। सुनीता गायत्री को भी अपने साथ काम के लिए कह देती है। तुम बहुत अच्छी हो सुनीता, मैं खुद कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, मुझे लग रहा था पता नहीं तुम अपने साथ मुझे काम दोगी या नहीं। नहीं गायत्री भाभी, ऐसी बात नहीं है, मोहन भैया भी तो हमें शहर विश्वास पर ही लाए थे, और यहाँ हमारे शहर में एक दूसरे के सिवा है ही कौन, इसलिए आप आज से ही मेरे साथ ये काम करना शुरू कर दो, आपका भी घर खर्चा निकल आएगा। उस दिन से गायत्री भी सुनीता के साथ स्वेटर का काम करने लगी। धीरे धीरे सुनीता ने और भी औरतों को इस काम में अपने साथ जोड़ लिया और किराए पर एक दुकान ले ली। सुनीता ने कभी नहीं सोचा था कि उसका स्वेटर का काम इतना बढ़ जाएगा। धीरे धीरे सुनीता का काम बढ़ गया और अब उसे उसी शहर के साथ साथ आसपास के और भी शहरों से स्वेटर बुनने के ऑर्डर मिलने लगे। आखिर बड़े शहर में रहकर एक गरीब ने अपने पैर अपनी मेहनत और हुनर से जमा ही लिए। मोहन, गायत्री भाभी, मैं तो हिम्मत हार गया था, पर सुनीता ने सब कुछ संभाल लिया। आज जमींदार का एक रुपया भी मैंने कर्जा नहीं देना, सब सुनीता ने उतार दिया। आप सही कह रहे हो शंकर भैया, आज सुनीता भाभी के कारण आपके बच्चों के साथ साथ मेरे बच्चे भी स्कूल जाने लगे हैं। नहीं तो अकेले मोहन इतना नहीं कमा पाते थे कि हम बच्चों को स्कूल में पढ़ा लिखा सके, आज ये सपना भी साकार हो गया। इस बात को सुनकर सुनीता मुस्कुरा देती है। आज उसके चेहरे पर एक सुकून था क्योंकि उसने अपनी मेहनत और लगन से ये मुकाम पाया था। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।